Shinji, crank that, Soldier Boy. Soldier Boy, tell. Chibiu फाइनली ड्रैगन बॉल का एपिसोड 1 कार्टून नेटवर्क पे हिंदी डब में प्रीमियर हो चुका है और जो टीआरपी आई है, जो टीआरपी मिली है वो सच में काबिले तारीफ है, क्योंकि ये टीआरपी कार्टून नेटवर्क के आज तक के टॉप 5 मोस्ट व्यूड में से एक है। सो व्हाट्स अप एनीमे, एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नॉट्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तो छिबियो कैसे हो, आज की वीडियो में हम मिलके कंपेयर करेंगे दो सबसे बड़े स्टूडियो के डब्स को, यानी हमारे कार्टून नेटवर्क के ड्रैगन बॉल और हमारे म्यूज इंडिया के लेटेस्ट डब जो उन्होंने एनिमे टाइम्स में डलवाया है, यानी प्राइम वीडियो के सेक्शन के अंदर, यानी फेरी टेल 1000 ईयर क्वेस्ट। दोनों की डबिंग को देखेंगे, दोनों की वॉइस एक्टिंग को देखेंगे, स्क्रिप्टिंग को देखेंगे, एडिटिंग को देखेंगे, डिटेल्स को देखेंगे, डायलॉग्स को देखेंगे, तो सब कुछ बहुत ज्यादा डीप में जाने वाला है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल बने और सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट into this video. If you have something to say, then just spit it out already. I go shit talk this Mahakal ka. Tumhare liye go shit talk lijiye. छिबियो यार, मेरी बोली हुई बात वापस से सच हो गई। याद होगा तुम्हें कि आज से एक महीने पहले मैंने तुम्हारे आगे ये न्यूज़ रखा था, एक स्पेकुलेशन रखा था, एक इंस्पेक्शन रखा था कि आने वाले टाइम में ड्रैगन बॉल की एक मूवी हिंदी डब में आने वाली है। मुझे लगा था वो ब्रॉली होगी, पर ये मूवी निकली बर्ड डॉग द फादर ऑफ गोकू, और ये मूवी आ रही है 1 सितंबर संडे दोपहर 1 बजे। और इसी के साथ एक और मूवी कन्फर्म हो गई है जो ड्रैगन बॉल की आने वाली है, वो है ड्रैगन बॉल जी द हिस्ट्री ऑफ ट्रंक्स, जो 22 सितंबर को दोपहर 1 बजे के लिए शेड्यूल करवा दी गई है। मतलब मैंने एक सोचा, दो दो निकली, और तुम जान लो भाई, जैसे जैसे टीआरपी बढ़ेगी ना ड्रैगन बॉल की, एक एक करके सेक्सरी मूवीज आएंगी, चीज़ों को कवर किया जाएगा, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब ब्रॉली टीवी पे आएगी और जो टीआरपी के रिकॉर्ड टूटेंगे भाई साहब। और आ जाओ बात करते हैं सबसे पहले लेटेस्ट आई हमारे ड्रैगन बॉल के एपिसोड 1 के हिंदी डबिंग की, तो तुम सुन लो सबसे पहले डब। देखो ये चमक रहे हैं, शायद ग्रैंडपा मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। ये तो नामुमकिन है, तुम्हारे पास तो दो दो ग्रैंडपा हैं, पर कैसे? देखो छिबियो, डब तुम्हारे सामने है, चाहे वो हमारे गोकू की डबिंग हो जिसको श्रुति सिन्हा मैम ने दिया है, चाहे वो बुलमा की डबिंग हो जिसको मनी एंड पोहान मैम ने दिया है, चाहे ये नरेटर की आवाज दी क्यों ना जिसको पवन सर ने दिया है, सारी की सारी आवाज बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक लग रही है, रियल लग रही है, नेचुरल लग रही है। जो डायलॉग्स मिले हैं, जो एडिटिंग हुई है, वो काफी ज्यादा माहौल बना देती हैं। जो एटमॉस्फेयर है, जो सेटिंग है, जो टोन है, वो सब कुछ वॉइस एक्टिंग के साथ मैच कर रही है। और इसलिए अगर तुमने जैपनीज में या इंग्लिश में पहले भी कभी ड्रैगन बॉल को देखा है, फिर भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हिंदी डबिंग सच में मास्टर क्लास हुई है। और इसी के साथ आ जाओ सुन लेते हैं हमारे फेरी टेल की डबिंग, उसके बाद बात करेंगे दोनों के कॉन्स की। यहाँ एक ड्रैगन क्या कर रहा है? मैं ही हूँ, सारे इंसान बूढ़े होकर गुजर गए। बूढ़े हो गए? तुम तो एक इंसान हो है ना? देखो यारो, डबिंग तुम्हारे सामने है, चाहे नात्सु की डबिंग जिसको फरहान पटेल सर ने किया हो, चाहे ग्रे की डबिंग जिसको सचिन गोले सर ने दिया हो, या चाहे इर्जा की डबिंग जिसको शुभांगी पांडे मैम ने दिया हो, या बाकी जितनी भी स्टार कास्ट की डबिंग है, उन सबको जो म्यूज ने डब करवाया है, जो म्यूज ने डब रखा है, वो डब अच्छा है, सिर्फ अच्छा। मतलब इतनी बड़ी स्टार कास्ट डब कर रही है, इतनी बड़ी स्टार कास्ट अपनी वॉइस एक्टिंग दे रही है, उसके बाद भी जो एक हिट करना चाहिए ना शो को, वो शो हिट नहीं कर रहा था। मुझे डबिंग में उतना मजा नहीं आ रहा था। इसके पीछे वजह है, बहुत बड़ी बड़ी वजह है। सबसे पहले ये 1000 ईयर क्वेस्ट सबसे पहले आ गया, जिसने फेरी टेल नहीं देखी, जिसने नाम नहीं सुना, जो जानता नहीं है, उसके लिए ये सब बेकार है, एकदम बेकार है। तो उसको अगर डबिंग अच्छी मिल भी रही है, तो उसके लिए फर्क कुछ पड़ नहीं रहा है, जैसे मैं हूँ यहाँ पे, क्योंकि डबिंग में मुझे कुछ भी मजा नहीं आ रहा, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस शो में चल क्या रहा है, इसका प्लॉट क्या है, इसके अंदर डेवलपमेंट कैसे हुई है। दूसरा, जो डबिंग है वो उतनी ज्यादा पीक पे नहीं जाती है, उतना ज्यादा पावर अप नहीं देती है जैसे ड्रैगन बॉल की डबिंग है। उसके अंदर एक फायदा ये है कि जो बंदा पहली बार ड्रैगन बॉल को देखा होगा, उसको ये इंस्टेंटली कनेक्ट कर गई होगी, क्योंकि स्टोरी एकदम स्टार्टिंग से है।
दूसरा डबिंग एकदम पीक पे है, पर यहाँ पे ना ही डबिंग उतनी पीक पे जाती हुई दिख रही है, ना स्टोरी हमें कनेक्ट कर रही है, तो ओवरऑल ये चीज बस आके चली जाती है और हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालती नहीं है। तो इसके लिए जो सोल्यूशन होगा वो यही होगा कि हमें वेट करना पड़ेगा हमारी फेरी टेल के आने का, जिसको बोला है हमारे म्यूज ने कि बाय द एंड ऑफ 2024 वो लाने वाले हैं। तो तब तक के लिए तुम्हें शायद इस शो को स्किप करना पड़ेगा। फिलहाल ये डबिंग मेरे लिए तो म्यूज की तरफ से काफी बड़ा लेट डाउन है, क्योंकि जो मैंने डबिंग देखी है, चाहे वो जॉबलेस रीइंकार्नेशन का हो, चाहे वो स्पाइक्स फैमिली का हो, चाहे वो जूनजी का हो, चाहे वो रेंट अ गर्लफ्रेंड का हो, सबको कंपेयर कर लो, उसके बाद भी ये डबिंग लगता ही नहीं है कि म्यूज की डबिंग है। पर यहीं पे तुम देखो क्रंचीरोल की ये डबिंग। क्या, मुझे तो इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये गलत है, और ऊपर से हम स्कूल में हैं। मुझे सुनो, जानता हूँ ना मैं यहाँ कंपेयर कर रहा हूँ, ना मैं यहाँ कुछ सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बस कह रहा हूँ कि क्रंचीरोल की डबिंग शायद से इम्प्रूव हो रही है, मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रही है, क्योंकि जो ये एनिमे आई है मैं कीन टू मैनी लूजिंग हीरोइंस, मैं इसके हर एक एपिसोड को फॉलो करता आया हूँ, मैंने चारों एपिसोड देखे हैं, और जो डबिंग हुई है, जो स्क्रिप्टिंग हुई है, जो वॉइस ओवर है, वो सच में पागलपन था भाई, सच में मजा आ रहा है देखने में, क्योंकि डबिंग का भी अपना ही प्लस पॉइंट होता है, चाहे शो कैसा भी हो, एक्टर्स से भी हूँ, उसके अंदर चल क्या रहा हो, पर अगर डबिंग अच्छी है तो कहीं ना कहीं इंसान देख लेता है। और इसी के साथ तुम सुनो सबसे पहले डबिंग बाय बाय अर्थ की। मैं तुम्हारा मास्टर जरूर हूँ, पर मैं कभी तुम जैसा नहीं बन पाऊंगा, जिस तरह तुम कभी मेरे जैसी नहीं बन सकती। अचानक मास्टर को क्या हो गया? अब सुनो व्हाई डज नोबडी रिमेंबर मी इन दिस वर्ल्ड की डबिंग। यहाँ अंडरग्राउंड शहर बसाया, क्यों, ये बहुत कमाल की जगह है ना? वो चाहिए, हम हैं रेजिस्टेंस। ह्यूमैनिटी की हार क्यों हुई? देखो यार, मैं कीन टू मैनी लूजिंग हीरोइंस, जिसकी IMDB, जिसका माय एनिमी लिस्ट, जिसकी रेटिंग, जिसकी हाइप, जो सच में काफी ज्यादा तगड़ी है, जब उसको डबिंग तगड़ी मिली तो ये शो अलग ही लेवल पे चला गया। वहीं पे चाहे बाय बाय अर्थ हो या चाहे हमारी वाय दस नोबडी रिमेंबर मी इन दिस वर्ल्ड, दोनों का जो स्कोर है, दोनों का जो ऑडियंस पोल है, वो बहुत ज्यादा एवरेज है, पर क्योंकि डबिंग अच्छी मिली है, एक गुड कैटेगरी की मिली है, तो ये शो इनहेंस हो जाता है, थोड़ा आगे बढ़ जाता है, और हमें वन टाइम वॉच के हिसाब से मजे देके चला जाता है। तो अगर मुझे आज की वीडियो को फाइनली सम अप करना हो, एक फाइनल वर्डिक्ट देना हो, तो मैं यही कहूंगा कि क्रंचीरोल ने इस बार चौका मार दिया है, हमारे कार्टून नेटवर्क ने छक्का मार दिया है, बस हमारा म्यूज दो दो रन लेके टुक टुक करके खेल रहा है। अबे तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख, तू अपनी गर्वान में झांक के देख। तो तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा क्या मानना है, तुम्हारा क्या कहना है, तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे मसले में, कमेंट में नीचे जरूर बताना। सो आज की वीडियो यहीं पर रैप करूंगा, उम्मीद करूंगा इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में वैल्यू, नई लेसन, कुछ ना कुछ तो ऐड किया हो। किया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जस हो सके शेयर जरूर करना इस वीडियो को। तो मिलूंगा अपने अगले ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। わない分か